भारी बारिश, तटवर्तीय क्षेत्र में बहुत नुकसान। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय बने रहने के साथ केरल में कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। तटीय क्षेत्रों में बारिश से पेड़ उखड़ गए हैं और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मानसून विभाग के मुताबिक तिरुवनंतपुरम समेत कुछ जगहों पे बारिश हुई है। मानसून विभाग ने अपने पूर्व अनुमान से कहा है, केरल तट के आसपास पश्चिम से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। आइए देखते हैं अगली खबर। गर्मी से राहत नहीं, मानसून आने से पूर्व कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा है। मानसून पूर्व बारिश से पहले की बदली और उमस का वातावरण सिटी में बना हुआ है। तापमान में कमी हो गई है, लेकिन गर्मी व उमस से राहत नहीं मिल रही है। गुरुवार को भी सुबह से तेज धूप निकली, लेकिन दोपहर और शाम तक हवा चलती रही, जिससे राहत मिली हुई है। मौसम विभाग ने सिटी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया है, जो औसती में 3.5 डिग्री अधिक है, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके चलते रात में उमस बनी रही। विभाग ने 19 जून तक ऐसे ही मौसम बना रहने की संभावना जताई है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।